नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नवीन पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक जैसे कि आपको परिलक्षित हो रहा है, माटी वाली। बेटा, ये आपके त्वरित अध्ययन की पुस्तक कृतिका का चतुर्थ अध्याय है और यहाँ हमें पढ़कर के त्वरित गति से पढ़कर अर्थ ग्रहण करना होता है। तो आइए हम पाठ की ओर चलते हैं। शीर्षक बहुत कुछ कह देता है, शीर्षक अपने आप में इतना कुछ व्यक्त कर देता है, हमें बता देता है कि आखिर पाठ में क्या है। जैसा कि शीर्षक से ध्वनित हो रहा है कि ये माटी वाली कि हो न हो, जो भी बात यहाँ कही गई है वो मिट्टी से जुड़ी हुई है और माटी वाली मतलब कोई माटी वाली है, उनके बारे में बात की जा रही है। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। यह पाठ विस्थापन की समस्या को लेकर लिखा गया है। विद्यासागर नोटियाल, जो कि उत्तराखंड के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक हैं, उनके द्वारा ये रचित है। बेटा, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं, हम नए सृजन की ओर उन्मुख होते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और यही भाव हमें नई नई चीज़ों की ओर ले जाता है। लेकिन हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में कई बार जो है ऐसा भी कुछ कर बैठते हैं जिससे बहुत लोगों का लाभ होता है लेकिन कुछ लोगों को उससे नुकसान भी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी नदी घाटी परियोजनाएं और बहुत बड़े बड़े बांध जो हैं वो बनाए जाते हैं, क्योंकि वो ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने देश को विकास की ओर अग्रसर करना है, वो हमारी ज़रूरत है। ऐसे ही टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है और उस बांध के बनाए जाने से उसके डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के लोगों को वहां से विस्थापित किया गया और इस विस्थापन के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग जो है वो बेघर भी हो गए। जिनके अपने घर थे उनको तो उस घर के एवज में अन्य कहीं ज़मीन दे दी गई, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं था। ऐसे लोग जो है वो एक तरह से उनके लिए ये मौत के सदृश ही रहा कि वो जीवित ही जो है मरने को मजबूर हो गए हैं। तो माटी वाली कहानी एक ऐसी ही औरत की कहानी है जो कि माटी खोद करके लाती है और शहर के घरों में चूल्हा लीपने के लिए माटी देती है और उसी से उसका गुजारा चलता है। तो आइए देखते हैं हम माटी वाली कहानी। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टेरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिससे वह न जानते हो या लोग उसे ना जानते हों। घर के कुल निवासी बरसों से यहाँ रहते रहे, किराएदार और बच्चे तलक, मतलब कहने का